तो धर्म के लिए शहीद होने का पहला जो उदाहरण दुनिया के अंदर सबसे पहला वो गुरु अर्जुन देव जी का मिलता है। उससे पहले सिख क्या करते थे, जो सिखों में सबसे बड़ा उनकी भक्ति है सिख की, वो प्रेमा भक्ति है। भक्ति नवधा बताई है, लेकिन सिखों की भक्ति गुरु नानक देव जी ने भक्ति दी वो प्रेमा भक्ति बताएं। प्रेमा का मतलब जो भी चीज़ ईश्वर ने क्रिएट की है, जो भी उस कर्ता पुरुष ने चीज़ बनाई है, मानव भी बनाए हैं, जीव भी बनाए हैं, पेड़ भी बनाए हैं, प्रकृति भी बनाई है, उन सब के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव जगाना, ये सिख धर्म का काम है। ये प्रेमा भक्ति सिख की, मानव से आपका प्रेम हो, मानव जाति से आप प्रेम करो, प्रकृति से आपका प्रेम हो, प्रकृति खूब अच्छी तरह से फले फूले, इसको कोई किसी तरह विनाश ना करे इसका, तो ये प्रेम व भक्ति का कारण से प्रेम की दरिया बहा दिया उन्होंने गुरु नानक देव। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ऊपर ये सूफियों का प्रभाव है, क्योंकि सूफियों ने कहा है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम को ही प्यारा करता है। उसको उन्होंने सूफियों ने शब्द दिया इश्क। इश्क जो है वो दुनिया का सार है, आधार है, सारी दुनिया इश्क पर खड़ी हुई है। और इश्क में ये अगर चीज़ें एक दूसरे से न जुड़ी हों तो एक एक एटम दूसरे से अलग हो जाएंगे, इस प्रकृति इस पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चलते हैं, अगर ये इश्क ना हो तो टकरा जाएंगे, कभी भी नष्ट हो जाएगी। तो सारी दुनिया सूफी मानते हैं कि सारी दुनिया जो चल रही है वो इश्क चला रहा है उसको। और ये इश्क जो है सूफियों के हिसाब से माना जाता है कि अक्ल से सिर्फ जहन रोशन था, जो इंटेलेक्चुअल आदमी है उनकी बुद्धि में तो बुद्धि विलास है तो बहुत कुछ वो बोल देते हैं, पर इश्क ने दिल में रोशनी की है। दिल उनके बिल्कुल काले होते हैं, कभी बोल रहे हैं बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन दिल में उनके दया भी नहीं है ना, जब दया धर्म नहीं मन में, तो दया धर्म कहाँ आएगा, दिल से आएगा। तो दिल को इश्क रोशन करता है। जो आदमी प्यार करना जानता है, प्रेम करना जानता है, जो हमारे तुलसीदास जी भी प्रेम भक्ति में आए तो उन्होंने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो जो परब्रह्म है वो तो सब जगह समाया हुआ है और एक रूप से समाया हुआ है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, पर प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। वो प्रकट जब होता है, व्यक्त होता है, वो जहाँ प्रेम है वहाँ पर व्यक्त हो जाता है, उसकी कृपा हो जाती है, वो रक्षा भी करता है हर तरह से, वो गुण भी आपके अंदर लाद देता है, ले आता है। तो ये प्रेम जो है, तो ये प्रेमा भक्ति, तो गुरु नानक देव जी की भक्ति को प्रेमा भक्ति, तो भक्ति के रूप में से जो भक्ति आंदोलन है उसमें जो प्रेमा भक्ति है वो उन्होंने ले लिया। लेकिन प्रेम उन्होंने कहा कि हर आदमी के अंदर मानव मानव के लिए प्रेम भर दो। तो ये सारा सिख धर्म का जो सार अंश है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब बहुत महान है। जब हम शुरू में देख रहे थे कि वारा इतनी बड़ी बड़ी हैं, इसमें जो आशा दीवार है वो तो बहुत बड़ी है सारी की सारी, उन वारों के अंदर पौड़ियाँ हैं। पौड़ियों का मतलब एक एक पद को बनाया है, एक एक वार में कितनी कितनी पौड़ियाँ हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बहुत लंबे चौड़े वर्णन हैं। हम इनको संक्षिप्त रूप में ये समझ सकते हैं कि सिख धर्म का सार यही है जो हम आज देख रहे हैं कि मनमुख से गुरुमुख बना दो, ऋण वृत्ति से धन वृत्ति बना दो, मानव के मन में इश्क भर दो, प्रेम ही प्रेम बहा दो दरिया उसके अंदर, सेवा का भाव भर दो, आदमी को नीमा होके चल, नीमियानु रब मिल जा, उसको विनम्रता सिखा दो, और आदमी को कहो कि जब तू धन वृत्ति में आ जाएगा तो तेरी भुजाओं में जो शक्ति है ये जुल्म करने के लिए नहीं उठेगी कभी भी, ये जुल्म का प्रतिकार करने के लिए उठेगी। इसलिए जब जुल्म हुआ तो गुरु अर्जुन देव जी पर तब सिखों ने सोचा कि अब हमें इस जुल्म का प्रतिकार करने के लिए छःवें गुरु ने, सबसे पहले छःवें गुरु थे जो विद्रोह में खड़े हुए। तो ये सिख धर्म का थोड़ा बहुत सार बहुत संक्षिप्त में हमने गुरु नानक देव जी तक रखा। अब इसको पूर्ण करने वाले जो थे वो 10वें गुरु थे।